चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एक गलती तो यो की कि भाजपा को वोट देकर जी सिंह को हराया। वे गिल्ले सिख में सब खत्म कर दिए थे 26 तारीख की पंचायत में मुजफ्फरनगर। उसके बाद में कोई घटना भी नहीं हुई। हिंदू मुसलमान की बड़े प्यार मोहब्बत से आपस में मिल रहे हैं, जिल रहे हैं। पहले तो भय था, तो ये तो बिल्कुल किसान को बर्बाद करने का कानून है। जो मुजफ्फरनगर में 30 तारीख को पंचायत हुई है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उसमें आपने बहुत खुल के बातें रखी। मैंने ये कहा था जी भाई, आप लोगों ने दो गलती की है। एक गलती तो ये की कि भाजपा को वोट देकर जी सिंह को हराया, और एक गलती ये करी कि 2013 में तुमने मुसलमानों को मारा। तो उस बात पर नरेश चौधरी ने जो है दोनों बात स्वीकार करी, और स्वीकार करने के बाद में उसने महसूस किया कि भाई हम मिलजुल कर रहना चाहें, पिछली गलतियों को छोड़ कर हम उसका एहसास भी करते हैं और उन गलतियों पर जो है दोहराने की कोशिश नहीं करने के माफ़ी भी चाहते हैं। तो ये लफ्ज उन्होंने कहे, उसके बाद में गले मिले सभी के। और चौधरी जात ने जो एक लोटा ले रहे थे गंगा जल का, उसमें नमक वगैरह बात रखवाए, तो मतलब पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था पंचायत में, लाखों से ज़्यादा भीड़ थी। और उसका उसके बाद में माहौल बदलता ही जा रहा, प्यार बढ़ता ही जा रहा आपस में, एक दूसरे का जो है जो गिल्ले सिख में तो खत्म हो गए सब। उत्तर प्रदेश की नींव कम से कम 2013 की मुजफ्फरनगर दंगे से बनी थी। इसी से नींव जमी जी इनकी। अब नहीं, अब तो मैंने अब फलाव पंचायत में कहा था, इनके कार्यकर्ता गांव में जाकर ये बात बतावे थे, इन्हें मुसलमानों को काट देंगे, इनका घर जमीन हमें मिलेगी। तो अब वो सपना इनका खत्म हो गया। जब हमें प्यार होगा हमारा आपस में, तब कौन हमारी जमीन खोज सका, कौन हमारा घर खोज सका। जहाँ पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी कवाल मतलब जहाँ पर बाद में हिंसा, जो लिसाड़, लाख बावड़ी, हाँ ये नौ गाँव थे है ना। इन गांव में भी आप कुछ फर्क देख रहे हैं? हाँ, पूरा प्यार, पूरा बदलाव है जी पूरा। वे गिल्ले सिख में सब खत्म कर दिए थे 26 तारीख की पंचायत में मुजफ्फरनगर। काफ़ी लोगों ने जो है इसका समर्थन किया था, बल्कि पूरे देश में कहा वो संदेश कि भाई वो अब एक हो गया सब। और उसके बाद में कोई घटना भी नहीं हुई। हिंदू मुसलमान की बड़े प्यार मोहब्बत से आपस में मिल रहे हैं, जिल रहे हैं। पहले तो भय था, लेकिन अब वो भय खत्म हो गया। कई सारे संगठन टूट गए थे, नए नए संगठन। हाँ, 8-9 के करीब टूट गए। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और क्या आपको, आप क्या चाह रहे हैं कि अब सारे संगठन फिर से बाकियों के साथ फिर से एक संगठन बने, क्या आप चाह रहे हैं? इसमें जो है 2013 में जब मेरे गांव पड़ता है हुसैनपुर, आप भी गए उसमें, 3 आदमी एक ही दिन में मारे थे। उसके बाद मुस्लिमों की एक पंचायत हुई थी बुढ़ाने में, और उन्होंने मेरे पे दबाव बनाया था कि आप जो है अब इस पार्टी को, इस किसान यूनियन को छोड़ दो, अपना नया दल बनाओ। तो राष्ट्रीय किसान मजदूर मंच बनाया था, मैंने त्याग पत्र दे दिया था। अब जो ये किसान आंदोलन शुरू हो रहा है, और एक पंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, बहुत बड़ी पंचायत थी, उसमें जो है गिल्ले से कोई जो है आपस में होकर और प्यार हो गया है। अब कोई धोखा नहीं होगा, किसान एकजुट है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी कौम का हो, वो सब एकजुट है। और ईमानदारी से जो है, जो कुछ लोगों को ये बहम है कि मुसलमान पीछे हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा, हर तरह से तैयार रहेगा। मुसलमान के लिए भी हमने हर पंचायत में यही कहा कि मुसलमान आपके साथ रहेगा। कुछ लोग इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं कि दंगा पीड़ित जो है नाराज हैं। दंगा पीड़ितों की बात तो ये भाजपा वाले उठा रहे हैं, वे नाराज नहीं है। ये जाते हैं उन लोगों को सिखाते हैं, तुम्हें क्या मिला, तुम्हारे आदमी मार दिए, तुम वैसे घाव कैसे भूल जाओगे, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन हम भी गए उनमें, कुछ नहीं ऐसी बात, प्यार मोहब्बत से रह गए। इन 3 कृषि कानूनों से क्यों किसानों का इतना बड़ा एक जनसैलाब उत्तर भारत में? ये तो किसानों को बर्बाद करने का कानून है, क्योंकि इन्होंने पहले ही गोदाम बना लिए थे, किसानों की फसल लूटने के लिए उसमें भर कर जो है फिर अपनी मर्जी से बेचेंगे। मजदूर भी परेशान होगा, मंदे भाव से लेंगे, तेज भाव से बेचेंगे। तो ये तो बिल्कुल किसान को बर्बाद करने का कानून है, मजदूर भी साथ में बर्बाद हो रहा है।
और तो इसलिए जो है इसका विरोध कर रहे हैं हम। ये वापस लेने चाहिए सरकार को, सरकार तो सभी की हो, किसानों की बनाई हुई सरकार है, तो किसानों की मांग उन्हें उचित मांग है, उसे मान लेनी चाहिए। बाबा जी कहते अगर जिंदा होते तो कुछ और ही मजा आता, कहते का तो ये सरकार रहती है किसान रहते।